लता ने अपने बेटे रमेश की शादी हाल फिलहाल में ही की थी। लता का बेटा रमेश बहुत पीता खाता था, लेकिन लता ने सोचा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन रमेश में कोई सुधार नहीं आता है। रमेश शादी के बाद और ज्यादा पीने लगता है, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। एक रोज लता देर शाम सब्जी काट रही होती है, तभी रमेश नशे की हालत में घर आता है। तूने आज फिर से पी रखी है? अरे अब तो सुधर जा, तेरी शादी हो चुकी है, कल को तेरे बच्चे होंगे तो तेरा उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, चुपचाप घर में जाकर आराम कर, मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं घर का कोई सामान लेकर जाकर बेच दूंगा बाहर। अरे क्यों नहीं सुधर जाता तू? तुझे अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी पर तरस नहीं आता? वो तो तेरे बाप की सरकारी नौकरी थी जिसकी पेंशन से घर चला रही हूँ, वरना तेरे जैसे कपूत को पाकर तो मुझे भूखा रहना पड़ता, भीख मांगकर घर चलाना पड़ता। माँ मुझे पैसे चाहिए, आपकी ये रोने धोने वाली बातों से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर चंदा अपनी सास के पास आती है। आप माँ जी को क्यों परेशान कर रहे हो? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो तू बीच में क्या करने आई है? मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ ना। माँ जी आपके लिए चाय, आप चाय पीजिए और आराम कीजिए। अब जाता है यहाँ से या मार खा कर जाएगा? मेरे पास पैसे नहीं है, बोल दिया ना। इतना सुनने के बाद रमेश चंदा के बाल पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तूने ही माँ को पैसे देने से मना किया है, अब माँ मुझे पैसे नहीं दे रही है। मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, माँ जी बचाइए, मुझे बचाइए। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तू हमेशा माँ के कान भरती रहती है। जब तू नहीं थी तो माँ मुझे पैसे दिया करती थी, वो भी बिना बोले, लेकिन जब से तू इस घर में आई है माँ ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया है। तू उसे छोड़ता है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब हार कर लता रमेश को पैसे दे ही देती है और रमेश वहाँ से चला जाता है। अब चंदा को ऐसी हालत में देखकर लता उसके सर पे हाथ फेरती हुई कहती है, बेटा तेरी पूरी जिंदगी खराब हो रही है इसके पीछे, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है अपने नशेड़ी बेटे की शादी एक भोली भाई लड़की से करा कर। माँ जी आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, न सारी गलती इनकी है जो ये शादी के बाद सुधर ही नहीं पाए। मैं जाके ना खाना बना लेती हूँ अभी। चंदा बहुत उदास थी और वो बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अब एक रोज लता के घर में उसकी पड़ोसन का आना होता है। जब वो हॉल में बैठी हुई उदास लता को देखती है तो वो समझ जाती है रमेश ने घर में फिर से कलेश किया है। मैं तेरी उदासी का कारण पूछूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रमेश ने कलेश किया है। क्या उसने फिर से बहू पर हाथ उठाया? हाँ उसने आज फिर से बहू पर हाथ उठाया है। बहू भी उसका अत्याचार झेल नहीं पाती है, पर वो मेरे कारण उसका सारा दुख जड़ झेल लेती है। मेरा बेटा नशेड़ी है, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा दुख इस बात का है कि मैंने एक सीधी सही लड़की की जिंदगी उजाड़ दी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो तेरा बेटा सुधरने से रहा। लता और विमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ चंदा चाय लेकर आती है। विमला जब चंदा को देखती है तो उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान बने होते हैं। देख रही है ना तू? मैं तो सोच रही हूँ मैं इसे इसके मायके छोड़ आती हूँ, कम से कम उस हैवान से दूर रहेगी तो जिंदा तो रहेगी। उसने आज तक तो अपनी माँ को माँ नहीं समझा, तो अपनी पत्नी को क्या ही समझेगा। वही तो लता, मैं तो कहती हूँ इसके माँ बाप को कह इसे लेकर कहीं भी ब्याह दे, लेकिन यहाँ ना रहने दे। कभी कभी तो तेरी बहू के चिल्लाने की आवाजें मेरे घर तक आती हैं, और तू कितना ही बचा लेगी? अरे ये सच में जल्लाद है। विमला के जाने के बाद लता अब थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और अब वो अपनी बहन को फोन लगाकर अपने बेटे और बहू के कलेश के बारे में बताती है। अब काफी समय तक लता फोन पे बात कर रही होती है। उसके बाद लता चंदा को बुलाकर उसे समझाती है और चंदा रोने लगती है। देख बहू, ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, अपने दिल पर पत्थर रख कर रही हूँ, ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर की शांति के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। माँ जी आपने सच में मेरी माँ का फर्ज निभाया है,
आपने कभी मुझे माँ की ना कमी महसूस नहीं होने दी माँ जी। चल अब रोना बंद कर, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, अब अपने नए जीवन की शुरुआत कर। माँ जी मेरा मन नहीं मान रहा ये सब करने को। तो तू क्या चाहती है, कि रमेश रोज पीकर आए और तुझे मारे? नहीं ना, आज ही मैं पंडित जी से बातचीत करके आती हूँ और मैं तेरी सारी रस्में पूरी करवाऊंगी। अब ऐसे ही एक दो दिन निकल जाते हैं। लता अपनी बहू को नई साड़ियाँ और फल ला के देती है। अब ये सब देखकर रमेश अपनी माँ से कहता है, क्या बात है, मेरे बाद इस घर में किसकी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं? चारों तरफ से सामान ही सामान दिख रहा है। हाँ ये सब सामान मैंने पूजा के लिए मंगवाया है, छोड़ दे इसे, उसे क्यों छू रहा है तू? अच्छा किस बात की पूजा पाठ करवा रही हो, कहीं भगवान से ये तो नहीं बोलने वाली कि मेरे शराबी बेटे की शराब की लत छुड़वा दो? हाँ हाँ अपने घर के अच्छे होने के लिए पूजा पाठ करवा रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे चंदा कहाँ है, क्या बात है इतनी चमक कैसे रही है, ये हल्दी का लेप लगाया है क्या इसने? वो ना इसके चेहरे पे दाने हो गए थे इसलिए लगाया है, और अब तू औरतों की तरह सवाल जवाब क्या कर रहा है? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वैसे माँ अब आप भी अकेले थक जाती होगी ना, मैं सोच रहा था कि अब आपको आपके पोता पोती के साथ समय बिताना चाहिए। इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों, आप नहीं चाहती क्या कि आपके पोता पोती हूँ? हाँ हाँ चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा ना, सब बिखरा हुआ है। लता की बातें रमेश को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब अगले ही दिन लता और विमला चंदा को लेकर मंदिर पहुँचते हैं। वहीं दूसरी तरफ लता की बड़ी बहन कुसुम आती है अपने बड़े बेटे रोहन के साथ, जिसकी शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी गंभीर बीमारी के कारण दुनिया से चली गई थी। उससे ही लता अपनी बहू की शादी फिक्स करती है, क्योंकि वो अपनी बहू को अब दुख में नहीं देख सकती थी। बहू ये रोहन है जिसकी तुझे मैंने फोटो दिखाई थी, अब मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ इसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं मासी कोई दिक्कत नहीं है। बहू तू तो इस शादी के लिए तैयार है ना? हाँ माँ जी मुझे इस नर्क से निकलना ही होगा, लेकिन आपका क्या होगा माँ जी? बहू तुझे यहाँ से जाना ही होगा, इसलिए मैं तेरा कन्यादान कर रही हूँ। अब शादी की रस्में शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद ही कन्यादान करने का समय आता है, तो लता अपनी बहू का कन्यादान करती है और सात फेरों के साथ ये रस्में पूरी हो जाती है। लता तूने जो ये किया है इससे तेरे सारे पाप धुल चुके हैं। माँ जी आप रो रही हैं। बहू रोना तो आएगा ना, तू मुझे छोड़ कर जो जा रही है। लता अपनी बहू का कन्यादान कर चुकी थी और चंदा की रोहन के साथ शादी हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ रमेश आता है और अपनी पत्नी को शादी के जोड़े में देख के हैरान रह जाता है। ये सब क्या है, तुमने शादी कर ली? हाँ चंदा की शादी और उसका कन्यादान मैंने ही करवाया है। लेकिन क्यों, मेरे होते हुए आपने अपनी बहू की दूसरी शादी कैसे कर दी? रमेश को जब ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की शादी हो गई है तो वो टूट जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है, अगर उसने अपनी पत्नी को समझा होता और उस पे हाथ नहीं उठाया होता तो वो उसको छोड़ के नहीं जाती और ना ही लता अपनी बहू का कन्यादान करती। सरला अपनी बहू गौरी से बहुत खुश थी, क्योंकि उसके काले कलूटे बेटे रमेश की शादी हुई एक गौरी लड़की से, और उस गौरी मैम का नाम भी गौरी था। अब सरला को तो अपनी बहू पर बहुत गुमान था। एक रोज विमला सरला के घर आती है और वो सरला से कहती है, सरला क्या बात है, आजकल तो तू हम लोगों के साथ भी बैठने को नहीं आ रही है। विमला क्या बताऊं, घर से फुर्सत ही कहां मिलती है, जब से बहू आई है और भी काम बढ़ गया है। और बहू तो तूने बड़ी सुथरी लाई है, मोहल्ले में तेरी बहू के ही चर्चे, और सब यही कह रहे हैं काले की बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ हाँ होगी भी क्यों ना सुंदर, मेरा बेटा कौन सा कम सुंदर है। सही कह रही है सरला, तू तेरा बेटा तो ऋतिक रोशन से भी ज्यादा सुंदर है। क्यों मजे ले रही है विमला, बोल देना साफ साफ कि मेरा बेटा काला है, लेकिन उसे बीवी कटरीना सी मिली है। लेकिन अब विमला के जाने के बाद सरला की बहू गौरी छत से कपड़े सुखा कर आती है और अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी आपको पता है मैं जैसे ही छत पर जाती हूँ वैसे ही पड़ोस वाली औरत मुझे काले की बहू कहने लगती है। अरे किसने कहा मेरी बहू को काले की बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, कल से तू छत पर नहीं जाएगी बहू।
ये सास बहू की बातें रमेश सुन रहा होता है, तभी वो अपनी पत्नी गौरी से कहता है, मन बता तन कौन कहे बहु काले के, मैं खार तार लू साले की। ये आप तो बड़े रोमांटिक है, आपने मेरे लिए ये गाना गाया? अरे मैं तो मजाक में गा रहा था, यहाँ के लोग ना ऐसे ही है। ना जाने मेरी तो किस्मत ही फूट गई, लोग मुझे काले की बहू कहते हैं लेकिन इस आदमी को उसमें भी मजा आता है। अब देर शाम सरला अपनी नई बहू को लेकर मार्केट के लिए निकलती है तो हर कोई सरला की बहू को देखने लगता है क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर कि तभी दो औरतें सरला की बहू को देखकर बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, अरे देख देख यही है काले की बहू, खुद तो कोयला है लेकिन लड़की हीरा लाया है हीरा। अरे इस हीरे में ही कोई कमी होगी तभी तो उस काले कलूटे से शादी कर ली, वरना इसे तो काली लड़की भी नहीं मिलती। बात तो तूने एकदम पते की है, कमी जरूर इसमें ही होगी। सरला उन औरतों को तो कुछ नहीं कहती लेकिन वो अपने मन में सोचती है, इन औरतों ने जहर तो उगला है लेकिन बात तो एकदम पते की है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं। जो इसके माँ बाप ने मेरे बेटे से अपनी इतनी परी जैसी बेटी ब्याह दी। सरला ये सोच ही रही थी कि तभी सरला की बहू गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने उन लोगों को कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कहा कि ये मेरे बेटे की किस्मत थी। बहू देखा जाए तो उन औरतों ने जाने अनजाने में ही सही लेकिन बात एकदम पते की है कि कोई कमी तो होगी तुझमें जो तूने मेरे काले कलूटे बेटे को अपना लिया, वो भी बड़ी आसानी से। तो माँ जी अब आप मुझ पर शक कर रही हो, मुझ में ही कोई कमी है जो मैंने आपके बेटे से शादी कर ली। हाँ बहू अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कहीं तू पहले से शादीशुदा तो नहीं या कोई और बात है। माँ जी किसी बाहर की औरत की बातों को सच मानकर आप अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही हैं, ये सही तो बिल्कुल नहीं है। आज ही मैं मायके चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। अब कुछ समय बाद सरला और सरला की बहू गौरी घर आते हैं और गौरी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ, गौरी को किसी ने कुछ कहा क्या, वो गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं, दो औरतों की बातें सुनकर तेरी बीवी से कुछ सवाल क्या किए, वो तो मुझसे ही लड़ पड़ी और कहने लगी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो, देखो तो नाराज कर दिया आपने बेचारी को। अब रमेश गौरी को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गौरी माँ है वो, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। तो वही इधर सरला कहती है, जोरू का गुलाम चला बीवी को मनाने, मुझे तो सच में इसमें अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब सरला को तो शक हो ही गया था लेकिन अब ये शक सही भी था और बस सरला के मन में वहम बैठ गया था। लेकिन अब अगले ही दिन विमला अपने दरवाजे पर बैठी होती है, तभी एक आदमी विमला के पास आता है और वो पूछता है, जी सुनिए गौरी का घर कहाँ है, जरा आप बता देंगी? गौरी तो यहाँ कोई नहीं है, आसपास घर का कोई एड्रेस नहीं है। गौरी की भी अभी नई नई शादी हुई है, उनका पता तो नहीं है मेरे पास। गौरी की नई नई शादी हुई है यानी अभी तो सरला की बहू भी आकर आई है, कहीं ये उसकी बातें तो नहीं कर रहा है? जी हाँ वो बहू ही हुई, आप जानती है तो बता दे, मुझे उनसे काम है। पहले ये बताओ आप उनकी क्या लगते हैं? जी मैं उनका पति मतलब उनके पति से मिलने आया हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, सरला को बताना पड़ेगा, पहले से सरला के घर तो ले चलूं। इतना कहने के बाद विमला सरला के घर ले जाती है और सरला को आवाज लगाकर बुलाती है और सरला के आने पर कहती है, सरला ये तेरी बहू से मिलने आए हैं, ना जाने क्या काम है इन्हें तेरी बहू से। जी क्या काम है आपको मेरी बहू से, और आप गौरी के कौन लगते हैं? जी मैं उनका। इतना वो आदमी बोल ही रहा था कि तब तक गौरी उस आदमी का हाथ पकड़ कर कहती है, ये तो मेरा भाई है, माँ जी ये भी पागल है, बिना बताए ही चला आया। इतना कहकर वो उसे अंदर ले जाती है, जिसके बाद सरला कहती है, ये इसका भाई है, शादी में तो कहीं नजर नहीं आया, ना ही ये किसी शादी की फोटो में है। सरला ये ना जाने कौन है, पहले तो इसने कहा कि तेरी बहू का पति है, फिर इसने बातें घुमा दी, चल 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 कर इसकी बातें सुनते हैं, जरूर कोई तो गड़बड़ है। अब सरला और विमला जैसे ही कमरे के दरवाजे के बाहर उन दोनों की बातें सुनने जाते हैं तो वो सुनते हैं, तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा, मेरी सास को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल फेंकेगी। मैं यहाँ बस तलाक और एलिमनी के पैसे देने आया हूँ। लाओ दो और निकलो यहाँ से, और अब जब भी तुम्हें पैसे देने हो इस नंबर पर फोन करके आना। हाँ ठीक है, वैसे तुम यहाँ ठीक तो हो ना? हाँ यहाँ सब ठीक है, मैं खुश हूँ, तुम अब जाओ यहाँ से। अब जैसे ही गौरी दरवाजा खोलती है वैसे ही विमला और सरला
गेट पर ही खड़ी होती है और विमला गौरी को देखकर कहती है, बहू तेरा भाई है तो तुझे गेट बंद करके बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? भैया थोड़े ही है, ये तो सैया है मेरी बहू के, वो भी पहले वाले। माँ जी आप क्या कह रही हैं? ये मेरे दूर के भैया हैं। अरे तो ऐसे लेकर जाएगी इसे कमरे में और कमरे का दरवाजा लगाएगी जैसे सैया के आने पर किया जाता है। चल अब तू ही बता दे, ये तेरी बहन है या जोरू? जी देखिए, मुझे नहीं पता कि इनकी शादी क्या बताकर की गई है, लेकिन मैं इनका पहला पति हूँ और हमारा तलाक हो चुका है जिसका पैसे देने में यहाँ तक आया हूँ। सच्चाई की मूर्ति, इसलिए तो तलाक दिया था, हर जगह अच्छा ही बनना है इसे। क्यों बहू, खुल गई ना तेरी पोल सबके सामने, भगवान के घर देर है, अंधे तो बिल्कुल नहीं। ये बातें चल ही रही थी तभी रमेश भी आ जाता है और रमेश को देखकर विमला कहती है, आओ आओ बेटा, तुम्हारी पत्नी के काले कारनामों का हिसाब हो रहा है। किसका हिसाब और कैसा हिसाब? तेरी बीवी पहले से शादीशुदा है और डिवोर्सी भी, और ये आदमी इससे मिलने आया था जो कि इसका पहला पति है। माँ, विमला आंटी, क्या ये मजाक है? और गौरी तुम चुप क्यों बैठी हो? बोलो ना कि ये सच नहीं है। ये क्या बोलेगी, इसे इसके साथ ही घर से बाहर निकाल, तभी तो मैं कहूँ इसमें जरूर कोई कमी होगी, और पता लगा तो ये तो पूरी की पूरी ही कमी निकली। और इस इंसिडेंट के बाद गौरी को रमेश के साथ ही घर से निकाल दिया जाता है और काले पति की गौरी बीवी का राज सबके सामने आ जाता है। जनवरी की कड़कती ठंड में रजाई में पड़े पड़े मोहिना घड़े की ओर देखे जा रही होती है कि तभी उसकी माँ अंजना उसे आवाज लगाती हुई कमरे में आती है और उसके आने की आवाज सुनकर मोहिना रजाई में फट से मुंह घुसाई बोलती है, हे भगवान, आज माँ के मुंह से जितनी मर्जी गालियाँ दिलवा देना पर ठंड में नहाने की बात मत कहलवाना उनसे प्लीज। हाँ सुन रहे हो ना? भगवान सुने ना सुने पर तेरी माँ ने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए रजाई से बाहर निकल और सीधा बाथरूम की तरफ प्रस्थान कर। माँ कहाँ से बोल रही हो? मुँह से बोल रही हूँ पर लगता है तू कानों से नहीं सुन रही। अपनी आँखों से ये पलकों का पर्दा हटा, यहाँ खड़ी हूँ मैं। ओ आप आ गई, मतलब टाइम हो गया कॉलेज का, मैं अभी हाथ मुँह धोकर रेडी हो जाती हूँ। उसके लिए भी पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है, परफ्यूम छिड़क लियो ना बेटी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ ये भी सही है, चलो फिर सीधा कपड़े ही चेंज कर लेती हूँ। उसके इतना बोलती ही अंजना जोर से मोहिना के कान मरोड़ते हुए उसे बाथरूम में लेकर जाती है और बंद करते हुए बोलती है, अब चुपचाप नहाकर ही बाहर निकलियो, पिछले 3 दिन से मुंह हाथ धोकर ही कॉलेज निकल जाया करती है। अरे माँ मैं तो 3 दिन से नहीं नहाई, लोग तो हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं नहाते, वो भी तो बिना नहाए काट रहे हैं ना जिंदगी। हाँ हाँ तू भी तो उन्हीं की राह अपना रही है, प्रवचन मत सुना और नहा ले वरना मेरी गालियाँ सुनेगी तू। हे माते अपनी मासूम औलाद पर इस कड़कती ठंड में ऐसा जुल्म मत करो। हे माते, माते की लाते नहीं खानी हो तो नहा कर ही बाहर आई हो, समझी। इतना कहकर अंजना वहाँ से चली जाती है, तभी बाल्टी में रखे पानी को देखकर वो उसमें हाथ डालने के लिए करीब जाती है, फिर एकदम से हाथ पीछे करके बोलती है, कुछ हो जाए मोहिना तू मजबूर होकर नहा नहीं सकती, आज भी मुँह हाथ धोकर ही काम चलाऊंगी, चाहे जो हो जाए। कुछ देर बाद कमरे से कपकपाती हुई मोहिना बाहर आती है और उसे ऐसे देखकर उसका भाई नंदू बोलता है, तो माँ ने आज तुझे नहला ही दिया। नहला दिया कह रहा है तू? पूरे 3 दिन पर नहाई है, पता नहीं ना नहाने की गंदी आदत कहाँ से पाल ली इस लड़की ने। बस करो माँ, अब मेरे नहाने से आपके कलेजे को ठंडक मिल गई हो तो मुझे गर्मा गर्म कॉफी देने का कष्ट कर लो। हाँ माँ जल्दी दे दो वरना नहाने के कारण ये कांपते कांपते कहीं यहीं ना जम जाए। अब ये बेचारे क्या जाने कि मैं नहाई नहीं, बस मुंह हाथ धोकर कपकपाती बाहर आ गई। तभी तीनों नाश्ता करने लगते हैं। मोहिना को नहाने से नफरत नहीं थी, नफरत थी तो ठंड में नहाने से, और खासकर जनवरी फरवरी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में। और उसकी इस आदत को लेकर उसकी माँ उसे हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी, पर उसे भी वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। ये क्या, ऐसे क्या घूर रहे हो, मैंने क्या किया? तू फिर नहीं नहाई ना नालायक, अरे अब तो तेरा परफ्यूम भी तेरी बदबू को नहीं छुपा पा रहा।
ओ बहन, तुझे गर्म पानी से नहाने में भी मौत आती है क्या? एक तो तू मंदिर में आती कम है, लेकिन जब आती है तो नहा कर आया कर। हाय हाय, पूरे मंदिर में अजीब सी बदबू फैल गई। जा पापन, अब तो नहा ले। और आज अगर तू फिर हाथ मुंह धोकर आई ना, तो तेरी खैर नहीं, बता रही हूँ। अंजना के इतना चिल्लाने पर शाम के समय ही मोहिना जाकर गर्म पानी से नहाकर रजाई में दुबक कर बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के निहाल से हो जाती है। ससुराल आने के बाद भी उसकी ना नहाने की आदत जैसी की तैसी बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मालती उसे बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा सुन तो। जी सासुमा, कहिए क्या काम था? मैं सोच रही हूँ कि आज तुझे कुलदेवी के मंदिर ले चलूं। इसी बहाने मुझे भी माँ के दर्शन हो जाएंगे और तुझे भी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए जा और जल्दी नहा धोकर आ जा। क्या मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ेगा? मेरा मतलब सासू माँ, बाहर कितना कोहरा है, इतनी ठंड में नहाना जरूरी है क्या? हाँ तो क्या, भगवान के घर बिना नहाए जाएगी और तुझे नहाने से डर लगता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी ठंड में नहाऊं कैसे सासू माँ? जैसे मर्जी नहा, लेकिन नहाना तो पड़ेगा क्योंकि मंदिर में पवित्र होकर ही जाते हैं। मैं जा रही हूँ तैयार होने। मालती अपना फरमान सुनाकर चली जाती है और यहाँ नहाने का नाम सुनकर ही मोहिना का कांपना शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मंदिर में रखे गंगा जल पर जाती है और वो गंगा जल की शीशी उठाकर खुद से बोलती है, मिल गया बिना नहाए पवित्र होने का तरीका। इस गंगा जल को खुद पर छिड़क लेती हूँ, फिर मुझे मंदिर जाने के लिए नहाना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो शीशी से थोड़ा सा गंगा जल हाथों में लिए अपने शरीर पर छिड़क लेती है और फिर पूजा की थाली तैयार करके मालती के कमरे में जाती है। तभी मालती बाथरूम से बाहर आती है और मोहिना उससे बोलती है, चलिए सासू माँ, मैं तैयार हो गई। बड़ी जल्दी नहा ली तो, इतनी देर में तो पानी भी गर्म नहीं होता जितनी देर में तो नहा कर आ गई। वो सासू माँ, आपने जल्दी तैयार होने को कहा था ना, तो मैं ठंडे पानी से ही नहा ली। और वैसे भी मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। अरे गर्म पानी से क्या, ये बोल कि तुझे नहाने की आदत ही नहीं है। हाय दैया, आपको कैसे पता चला सासू माँ? क्योंकि सुबह से पानी ही नहीं आ रहा, तो तू क्या पड़ोसी के घर नहा कर आई है? तेरे ये बहाने सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तू नहाने से कितना डरती है। सच बोल बहू, कितने दिन हो गए तुझे बिना नहाए? ज्यादा नहीं सासू माँ, यही कोई 4-5 दिन बस। 4-5 दिन? हाय राम, बिना नहाए तेरे कलेजे से खाना कैसे उतरता है? और इतने दिन पर तो कश्मीर में रहने वाले लोग भी नहा लेते होंगे। मोहिना के ना नहाने की आदत का पता चलने पर मालती उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अपने कमरे में बैठकर वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, यार मेरा शरीर मेरी मर्जी, जब बिना नहाए मैं कंफर्टेबल हूँ तो सासू माँ का इसमें क्या जाता है? ऊपर से ना नहाकर मैं उनके पानी की भी तो बचत करती हूँ, वो नहीं दिखाई देता उन्हें। वैसे ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लाना पड़ेगा ताकि उसे लगाकर मैं बिना नहाए भी महक सकूं। वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसका पति निहाल कमरे में आता है और मोहिना उससे बोलती है, ए जी सुनिए ना, आप मुझे ऐसा परफ्यूम लाकर दो ना जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्यों, किसको रिझाने का इरादा है? हाँ? तुम्हारी अम्मा को, कहा ना लेके आना, मतलब लेके आना, समझे? हाँ हाँ ले आऊंगा, अभी मैं सो जाऊं। हाँ तो मैंने कब रोका? दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन शोल ओढ़े दूध की थैली लिए मोहिना घर आ रही होती है, तभी वो कांपती हुई खुद से बोलती है, हाय सर्दी, ये सासू माँ भी ना खुद तो रजाई में पड़ी आराम कर रही है और मुझे ठंड में दुकान भेज दिया। ऊपर से आज मुझे ना नहाए 3 हफ्ते हो गए हैं, इसलिए आज चाहते ही गर्म पानी कर कलेजे पर पत्थर रख नहा लूंगी। वो बोलते हुए बढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमली घर के बाहर सड़क पर पानी फेंक रही होती है। तभी सामने मोहिना आ जाती है और एकदम पानी उस पर फेंक देती है जिससे मोहिना का मुंह गीला हो जाता है। तभी मोहिना बोलती है, ठंड बहुत ठंड है, आज मैं नहाएगी नहीं। अरे मोहिना माफ करना, तुम पर गलती से पानी फेंक दिया। अरे कमली, तुमने तो मेरी आत्मा ही ठंडी कर दी। हाय सर्दी,
इतना कहकर वो वहाँ से सर पर घर पहुँचती है तो जाते ही फर्श पर बिखरे पानी पर गिर जाती है और पूरी तरह गीली हो जाती है। तभी वाइपर लिए खड़ी मालती बोलती है, अरे बहू मैं तो फर्श धो रही थी और तू आ टपकी। अरे मैं तो मुंह हाथ भी ठंडे पानी से नहीं धोती, लेकिन आज के मनहूस दिन एक बार ठंडा पानी मेरे ऊपर पड़ा और अब मैं ठंडे पानी में लिपटी पड़ी हूँ। सही कहा है किसी ने, जिससे जितना दूर भागो वो चीज उतनी ही पास आती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।